इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि ये जो जर्नी मैं आप लोगों को बताने वाला हूं बहुत ही प्यारी अप्स एंड डाउन सबसे घिरी हुई है। तो प्लीज रिलैक्स बैक और प्यार से सुनिए और प्यार से वीडियोस देखिए। तो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पे। मैं हूँ आशीष ठाकुर और इस वीडियो में बताने वाला हूँ मेरे 6.5 मंथ जो मैंने स्पेंड किए ऑन बोर्ड शिप और वो कैसे रहे, क्या क्या था, सब आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा। तो चलिए इसको वीडियो को जो है वो शुरू करते हैं। तो जैसे ही मेरा साइन ऑन आया तो साइन ऑन जो था मेरा था ब्राज़ील से, और ब्राज़ील का नाम सुनते ही सब लोगों के दिल में मतलब खुशी का लहर हो जाती है। बट हमारा जो वो साइन ऑन पोर्ट था और हम लोग सबसे पहले जाने वाले थे सेंटोस। तो सेंटोस में हम एक दिन रुके और वहां से फिर निकल गए पैनोगुआ, जो कि 5 से 8 दिन वहां से दूर था। तो जैसे ही हम पैनोगुआ पहुंचने वाले थे तो हम लोग को एक खुशखबरी मिलती है कि हम लोग का है 15 दिन का एंकरेज। और एंकरेज सुनते ही मतलब एक दिल को राहत मिलती है, क्योंकि उस टाइम मैं अपना सब फैमिलाइजेशन और सब जो काम है वो सीख सकता था। प्लस वो ऐसा टाइम था जब हमारा न्यू ईयर और क्रिसमस उसी टाइम पड़ रहा था, तो हम लोगों ने बहुत ही इंजॉय किया। तो सोचिए, अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट इतने प्यार से शुरू हो रहा है तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो खत्म भी बहुत प्यार से होगा। तो जैसे ही हम 15 दिन का एंकरेज कंप्लीट करके पोर्ट पे पहुंचे पैनागुआ के, तो वहां पर जैसे ही पहुंचे हम लोग को मौका मिला बाहर जाने का। पहली आउटिंग थी हमारी और बहुत खुश थे। आउटिंग करने के बाद वो बोलते हैं ना कि लाइफ जो है हमेशा एक जैसी नहीं रहती। तो जैसे ही हम लोग को न्यूज मिलती है कि हम पैनागुआ से जो है वो चिली जाने वाले हैं, तो मतलब एक राहत की सांस आई, क्योंकि चिली बहुत दूर था। और चिली जाने से पहले हम लोग एक स्ट्रेट से गुजरने वाले थे जिसका नाम था मैगलिन स्ट्रेट। बहुत ही ब्यूटीफुल स्ट्रेट है वो, आप फोटोज देख रहे होंगे, वेरी ब्यूटीफुल। इट्स अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी फॉर एवरी सी फेयर ऑन शिप, एंड मेरे लिए तो बहुत ही अच्छा था क्योंकि मैं बहुत ही जल्दी इस स्ट्रेट को पार कर लिया और वेरी ब्यूटीफुल। माना थोड़ा रफ सी था बट कोई बात नहीं, सब चलता है। तो जैसे ही हम लोग चिली पहुंचे तो वहां का एटमोसफेयर एकदम चिल था, बहुत ही ब्यूटीफुल। इंजन रूम का एटमोसफेयर बहुत अच्छा था, तो काम करने में मजा आया। और जैसे हम चिली पहुंचते हैं लिरिकिन में, तो हमको मिलता है मौका बाहर जाने का, और फिर से मिलता है मौका बाहर जाने का। और बाहर जाने का मौका हम कैसे छोड़ सकते हैं? तो हम लोग लिरकिन से गए कॉन्सेप्शन सिटी और वहां पर हमने कई लोगों से मिले, कई यादें ताजा की। और उसके बाद जैसे हम लोग आते हैं तो हम लोग को पता लगता है भाई अब जाने वाले हैं गल्फ। तब लटक गए सबके मुंह, क्योंकि गल्फ का नाम सुनते ही सब घबरा जाते हैं उसकी गर्मी के कारण, उसके रूल्स और रिस्ट्रिक्शंस के कारण। और गल्फ में हम लोग करने थे 5 पोर्ट। डर उसका नहीं था कि 5 पोर्ट करने थे, डर उसका था कि वो जो वॉयज है वो होने वाली है 40 to 45 days की, इतनी बड़ी वॉयज। तो हमने बोला कोई बात नहीं यार, सब लोगों ने एक साथ टीम वर्क करते हुए सब प्लान डिसाइड किया और हम चल दिए वॉयज को सक्सेसफुल करने के लिए। तो वॉयज के दौरान हम लोगों ने काफी काम किया, क्योंकि हमारी इंस्पेक्शन थी दुबई में गल्फ में, तो हम लोगों ने काफी काम किया, इंजन रूम को चमकाया, इवन डेक वालों ने भी बहुत ज्यादा काम किया। और गल्फ में जो है हमारा पहला पोर्ट था ओमान। ओमान में जो है बहुत ही दुखद घटना होती है, और वो ये कि काफी लोग जो हम लोगों से अटैच्ड हो गए थे उनका था साइन ऑफ और उनको उतरना था। तो जैसे वो लोग चले गए, तो मतलब वो होता है ना जब आपका कोई अच्छा दोस्त या अच्छा इमोशनल कनेक्टेड पीपल जब चले जाते हैं तो एक सब सैड फीलिंग होती है। पर कोई बात नहीं, नए लोगों का हमने स्वागत किया और वहां से चले गए हम लोग सोहार गए, फिर फ्यूजेरा गए। फ्यूजेरा में हम लोगों ने बंकर लिया, क्योंकि नॉर्मली वहीं पर ही बंकर लिया जाता है, स्टोर लिया जाता है, सब सामान आया खाने पीने का। उसके बाद हम लोग गए रसल खेर, फिर दुबई, फिर दोहा, फिर बहरीन। अभी ये सब पोर्ट हम इतनी जल्दी जल्दी कवर कर लिए कि मैं आप लोगों को क्या बताऊं, मतलब मेरे को सांस लेने का टाइम नहीं था। मेरे को क्या, पूरा जो जहाज के क्रू थे उनको सांस लेने का टाइम नहीं था, क्योंकि बहुत ही फास्ट होता है यहाँ पर हमको, मतलब एक एक दिन में 10 10 घंटे में नेक्स्ट नेक्स्ट पोर्ट आने लगे, क्योंकि सब जो है एक साथ ही हैं। और हम लोग जो लिरिकिन से चिली से जो लकड़ियां लाए थे वो 5 से 6 पोर्ट में हमको डिस्ट्रीब्यूट करनी थी, तो यहाँ पर हमको काफी मुशक्कत करनी पड़ी, क्योंकि एक तो हम लोग 42 डेज का वॉयज आए करके आए हैं, ऊपर से फिर यहाँ भी बाहर जाने को नहीं मिलता, तो रिफ्रेशिंग माइंड हो नहीं पा रहा था। पर बहरान में हम लोग को लकीली वहां का जो सीमेंस क्लब था वहां जाने का मौका मिला।
अच्छा लगा, थोड़ा सा बाहर भी निकल जाते हैं तो अच्छा लगता है। तो बहरान के बाद जो है हम लोग सोच रहे थे कि अब नेक्स्ट पोर्ट कौन सा हो, नेक्स्ट पोर्ट कौन सा हो जिससे कि हम लोग को बहुत मजा आए। हम लोग मतलब यही ढूंढते हैं, क्योंकि देखो जहाज पे काम तो चलता ही रहता है, काम की चीज जो है वो चलती है, क्योंकि आप जहाज पे गए तो काम करना ही है। पर जहां पर जा रहे हो उसकी ब्यूटी भी तो देखना इंपॉर्टेंट है। तो उसके बाद हमको पता लगा हम जाने वाले हैं यूरुग्वे, मॉन्टी वीडियो, और मॉन्टी वीडियो जो है वो बहुत ही ज्यादा फेमस है। मैं मॉन्टी वीडियो में काफी वीडियोस नहीं ले पाया, बट मैं बाहर गया, घूमा, बहुत ही मजा आया वहां पर बाहर जाकर के। मॉन्टी वीडियो इज अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। उसके बाद हम लोग जाने वाले थे सैन निकोलास, सैन लोरेंजो। अब ये जो सैन निकोलास और सैन लोरेंजो है, ये जो है मॉन्टी वीडियो से रिवर का पैसेज है। रिवर के पैसेज होते होते हम लोग जो है सैन निकोलास जाते हैं, और उसके बाद हम लोग जाने वाले थे सैन लोरेंजो। नाउ दीज आर द वेरी फेमस पोर्ट्स, मतलब फन के लिए बहुत ही अच्छा है। काम तो चल रहा था पर फन के लिए ये पोर्ट्स बहुत अच्छे हैं। हम लोग फिर भी खुश थे काफी कि चलिए थोड़ा मजा तो जरूर आएगा। तो जैसे हम लोग सैन निकोलस पहुंचते हैं तो हम लोग वहां का एटमोस्फेयर एंजॉय करते हैं, वहां के लोगों से बात करते हैं, वहां का जो कल्चर है वो देखते हैं, और जो भी हो सके शॉपिंग या फिर साइट सीन सब करने की कोशिश करते हैं। फिर उसके बाद हम जाते हैं सैन लोरेंजो। नाउ सैन निकोलास और सैन लोरेंजो जो कि बहुत ही मजेदार थे, इस दौरान काम भी चल रहा था, इंजन रूम में काफी काम हुआ, हमारा मेन इंजन डीकाप भी हुआ, और काफी मेंटेनेंस जॉब भी है वो भी चलता रहा। नाउ ये सब करते करते मेरे को ऑलमोस्ट हो गए थे 5.5 6 months कंप्लीट। अब आती है घर जाने की बारी। अब आता है साइन ऑफ टाइम। जैसे ही हम लोग सैन लोरेंजो पहुंचे तो उसके बाद हम लोग को पता लगे कि हम लोग जाने वाले हैं केप टाउन, और केप टाउन जो साउथ अफ्रीका में आता है, अगर आप वहां जाने वाले हो मतलब साइन ऑफ जो है वो है कन्फर्म। तो जैसे ही हम लोग सैन लोरेंजो से केप टाउन चल रहे थे, वहां पर था 15 दिन से 20 दिन का जर्नी। वो जो जर्नी थी बहुत ही ब्यूटीफुल थी, मानता हूँ बहुत ज्यादा काम था, बहुत ज्यादा प्रेशर था, क्योंकि नए नए लोग आए थे। तो अभी हम लोग जाने वाले हैं, पुराने लोग तो नए लोग आने वाले हैं, तो वो जो सब काम हमारा जो लेफ्ट है वो सब हम करना चाहिए। तो जैसे ही हम लोग पहुंचने वाले होते हैं केप टाउन, तो वो जो टाइम होता है ना साइन ऑफ का, वो बहुत ही प्यारा होता है, बहुत ही खुशनसीब होता है। मानते हैं जो काम बहुत ज्यादा था बट जो समय था वो बहुत ही अच्छा था। लोग जो मुझे मिले जहाज पे, मैं मानता हूँ बहुत ही अच्छे थे, बहुत ही अच्छे सीनियर्स, बहुत ही अच्छे जूनियर्स, और मैं सबको अपने दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ, थैंक यू बोलना चाहता हूँ, और थैंक यू टू द गॉड कि ऐसे लोग मुझे मिले और ऐसे लोग ही मुझे मिलते रहे। यादगार जो है ना वो रह गई है, अभी तक यादगार है, अभी तक कनेक्शन उन लोगों से बना हुआ है। तो जैसे हम लोग केप टाउन पहुंचते हैं तो केप टाउन का एक टेबल टॉप माउंटेन है, और वहाँ का जो टूरिस्ट प्लेस है बहुत ही ब्यूटीफुल है। अगर आपने व्लॉग्स नहीं देखे तो ये सब में मैंने व्लॉग्स बनाया, आप देख सकते हैं वहाँ पर जाकर के। और वहाँ पर हमको जाने का मौका मिल गया, और साइन ऑफ पोर्ट पे अगर आप बाहर जाने का मौका मिल जाए तो आप तो धमाल ही मचा देंगे। तो हमने वही किया, धमाल मचा दिया। ड्यू टू सम रीजन मेंटेनेंस प्रॉब्लम्स की वजह से हम लोग टेबल टॉप नहीं जा पाए, जो कि मैंने बहुत मिस कर दिया। मतलब अब पता नहीं शायद कभी मौका मिले ना मिले, बट होपफुली मिल जाएगा। वो बहुत ही ब्यूटीफुल माउंटेन है जैसा मैंने अपने सीनियर से सुना, बट हमने काफी वहाँ के जो टूरिस्ट प्लेस है वो एक्सप्लोर किया अच्छे से, बहुत मजा आया। और उसके बाद आता है साइन ऑफ टाइम। तो साइन ऑफ टाइम में हम लोग मतलब खुशी के मारे मतलब समा नहीं रहे थे। आप मेरी जो फीलिंग्स को ही समझ सकते हैं इस बारे में, बट बात ये आती है रिस्पॉन्सिबिलिटी की, और आपको करना होता है हैंड ओवर। प्यार से हैंड ओवर कर दिया सब लगेज पैक, और वहां से हम चल दिए अपने प्यारे मुंबई। और मुंबई पहुंचे तो अलग ही फीलिंग थी, अलग ही जरिया था, अलग ही हवा थी, और घर आके तो प्यार मिलता ही है। तो ये थी मेरी प्यारी सी छोटी सी जर्नी, 6 महीने ऑन बोर्ड और शिप। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर देना, शेयर जरूर कर देना, अगर आप चाहते हो ये इमोशनल जर्नी जो आप किसी को दिखाओ। और अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप मजा आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मानता हूं मैं इस वीडियो में फेस टू फेस नहीं आया, क्योंकि मैं आप लोगों को थोड़ा इमोशनल टच देना चाहता था। थैंक यू।